अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में आइए चलते हैं उस दौर में जब दिलीप कुमार के सामने रोते हुए मधुबाला ने गुजारिश करते हुए कहा था, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दिलीप कुमार और मधुबाला का नाम इंडस्ट्री में उन दिनों शुमार था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों का ब्रेकअप हो गया। किस्सा कुछ यूं हुआ कि मधुबाला डायरेक्टर बीआर चोपड़ा की फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ काम कर रही थी। फिल्म का एक ऐसा हिस्सा शहर से बाहर शूट होना था, लेकिन मधुबाला के पिता अतुल्ला खान ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी। शूटिंग पूरी ना होने के कारण बीआर चोपड़ा को काफी नुकसान हुआ था। बीआर चोपड़ा ने कोर्ट में मधुबाला के खिलाफ केस कर दिया। दिलीप कुमार ने बीआर चोपड़ा के पक्ष में गवाही दी थी। ये बात मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते में खटास ले आई। मधुबाला फिर भी दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी। इन्होंने सब पहले जैसा ठीक करने के लिए दिलीप कुमार से कहा था कि आप मेरे पिता से माफी मांग लो, लेकिन दिलीप कुमार ने साफ मना कर दिया। मधुबाला ने रोते हुए दिलीप कुमार से कहा, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। दिलीप कुमार ने एक्ट्रेस से कहा, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो। हालांकि दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली थी। अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में और भी अनोखी दास्तान को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।